नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स से जुड़े अपडेट्स में आज का जो अपडेट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आईटीआर ड्यू डेट एक्सटेंशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। जैसा कि आप सबकी नॉलेज में है कि रिसेंटली भारत सरकार ने जो असेसमेंट ईयर 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आईटीआर फाइलिंग की डेट्स हैं उनमें परिवर्तन किए हैं, चेंजेस किए हैं। वो क्या परिवर्तन है, उससे हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आज की इस वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स का डिस्कशन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, व्हाट आर द रिवाइज्ड ड्यू डेट्स, जो कि सीबीडीटी प्रेस रिलीज डेटेड 24 अक्टूबर 2020 से चेंज की गई हैं। पहले ये ड्यू डेट नॉन ऑडिट असेसीज के केसेस में असेसमेंट ईयर 2021 के लिए 30 नवंबर 2020 थी, उसको बढ़ाकर के सर 31 दिसंबर 2020 यानी एक महीने से टाइम पीरियड बढ़ाया है। और ऑडिटेबल असेसीज के केसेस में सर ये ड्यू डेट पहले 30 नवंबर की गई थी, जिसे दो महीने बढ़ा करके 31 जनवरी 2021 कर दिया गया है। ये पॉइंट दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण है, इफेक्ट्स ऑफ ड्यू डेट एक्सटेंशन, कि ड्यू डेट के एक्सटेंशन होने के क्या प्रभाव होंगे। नंबर वन, रिलैक्सेशन ऑफ फीस पेबल अंडर सेक्शन 234F। सर हम सब जानते हैं कि सेक्शन 234F में डिलेड रिटर्न फाइलिंग पर 1000, 5000 या 10,000 की फीस असेसी को देनी पड़ सकती है। अब क्योंकि ड्यू डेट्स आपकी बढ़ा दी गई हैं, से फॉर एग्जांपल जिनको पहले 31 जुलाई डेट होती थी अब वो 31 दिसंबर तक रिटर्न भर सकते हैं, जिनको पहले ड्यू डेट फॉर एन एग्जांपल 30 सितंबर होती थी अब फाइनली वो 31 जनवरी 2021 तक रिटर्न भर सकते हैं। तो जब आप इन ड्यू डेट्स के अंदर अंदर रिटर्न भरेंगे सर, तो आपको किसी प्रकार की फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234A इफ द सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटीज अप टू 1 लाख फॉर द FY 19-20। ये महत्वपूर्ण बात क्यों है सर, केवल ऐसे असेसी सर जिनका सेल्फ असेसमेंट टैक्स 1 लाख रुपए तक का है, जिसे भारत सरकार लघु एवं मध्यम आयकरदाता मानता है, उनके लिए तो सर 234A में जो इंटरेस्ट लगता है डिलेड फाइलिंग के रिटर्न का, वो नहीं लगेगा अगर वो जो भी एप्लीकेबल डेट है 31 दिसंबर या 31 जनवरी तब तक अपनी रिटर्न भर ले। लेकिन मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मुझे सर 1.5 लाख रुपए का सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना है, तो चाहे मेरे लिए ड्यू डेट बढ़ करके अब 31 दिसंबर हो गई, लेकिन सर 234A की कैलकुलेशन मेरे लिए 31 जुलाई 2020 के बाद शुरू हो जाएगी। तो ऐसे करदाता दोस्तों जिनकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज्यादा है, उनके लिए ये ड्यू डेट बढ़ने का इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू कोई बेनिफिट नहीं है। रिलैक्सेशन रिगार्डिंग कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, ये रिलैक्सेशन देने से क्या फायदा होगा सर, कि यदि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आपने गत वित्त वर्ष 19-20 में कोई प्रॉपर्टी बेची है और अभी तक आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए और आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट करना था, तो ड्यू डेट बढ़ने सर आपके कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की ड्यू डेट भी, डिपॉजिट कराने की डेट भी बढ़ गई। रिलैक्सेशन रिगार्डिंग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड क्लेमिंग सर्टेन डिडक्शन। नेचुरली सर क्या होता है, इनकम टैक्स में अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन में लॉस है या कैपिटल गेन का लॉस है, तो आपको रिटर्न टाइमली भरना जरूरी है, नहीं तो आपके लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जब दोस्तों ड्यू डेट भारत सरकार ने बढ़ा दी, तो आपको उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप बढ़ाई गई ड्यू डेट के अंदर अंदर अपनी रिटर्न भर दें, और मैं मानूं कि आपकी रिटर्न में किसी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड या कैपिटल गेन रिलेटेड कोई लॉस है, तो वो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का एंटाइटलमेंट रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों एक चैप्टर 6 है जिसमें हम कुछ डिडक्शन क्लेम करते हैं एसएससी लाइक एटीआईए, एटीआईबीए वगैरह, वो सारे डिडक्शन भी सर आपको मिल जाएंगे अगर आपने एक्सटेंडेड ड्यू डेट के अंदर रिटर्न भरी। कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती हैं जो एटीपी में डिडक्शन क्लेम करती हैं सर, अगर वो एक्सटेंडेड ड्यू डेट में अपनी रिटर्न भर देंगी तो उन्हें एटीपी का डिडक्शन मिलेगा। नो रिलैक्सेशन इन इंटरेस्ट पेबल अंडर सेक्शन 234B&C। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि किसी भी सूरत में ड्यू डेट बढ़ने से आपका 234B में जो 1% का इंटरेस्ट लगता है और 234C में दोस्तों जो डेफरमेंट का इंटरेस्ट लगता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन इन ड्यू डेट के बढ़ने से नहीं आया। एंड फर्दर नो रिलैक्सेशन इन रिवाइज आईटीआर डेट असेसमेंट ईयर 2021 के लिए दोस्तों, आपकी रिवाइज रिटर्न करने की लास्ट डेट रहेगी 31 मार्च 2021, जब तक भारत सरकार इसे बढ़ा ना दे। तो वर्तमान में जो ड्यू डेट बढ़ाई गई है उससे कहीं पर भी आपकी रिवाइज रिटर्न भरने की डेट में फर्क नहीं आ रहा। टैक्स ऑडिट एंड अदर फॉर्म्स, इनकी भी ड्यू डेट में सर अब परिवर्तन आ गया। पहले जो डेट थी वो थी 31 अक्टूबर 2020, अब सर टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट भी दो महीने बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है,
यानी जिन असेसीज के केसेस में टैक्स ऑडिट या मान लीजिए ट्रस्टों के केस में फॉर्म 10B जारी होता है या किसी कंपनी के केस में मैट की कैलकुलेशन होती है तो वहां पर फॉर्म 29B इशू होता है, वो सारे फॉर्म्स भी सर अब असेसी 31 दिसंबर 2020 तक CSA सर्टिफाई करा पाएंगे। निश्चित रूप से दोस्तों COVID-19 के मद्देनजर जो परिस्थितियां हैं उनमें ड्यू डेट बढ़ाया जाना लाजमी था और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार अगर भविष्य में और रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो फिर ड्यू डेट बढ़ा सकती है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ड्यू डेट यहां से बढ़ेगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि हमें भी एज एन एसएससी अपने दायित्व को समझते हुए जहां तक संभव हो अपने डेटा को कोलेक्ट करके अपनी रिटर्न टाइमली भरने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना फर्ज निभा सके। मेरे साथ रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।